हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ना आजकल बहुत ही रेगुलर हो गई हूँ ब्लॉग के मामले में। बिल्कुल भी अगर हेल्थ अगर साथ ना दो ना तो फेस्टिवल में भी आपका बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ काम करो, ब्लॉग करो, घूमने जाओ। अभी कोलकाता में फेस्टिवल है दुर्गा पूजा का, जहाँ पे लोग इतने एक्साइटेड है घूमना फिरना, मस्ती करना, बाहर का खाना जितना सब कुछ कर रहे हैं। मतलब सच बोलूँ तो मैं और साक्षर बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह बस इतनी कि हमारी हेल्थ, पहले नानी की हेल्थ खराब थी, फिर मम्मी की थोड़ी बीच में हुई, फिर मेरी हो गई, फिर अभी साक्षर को हुई है। तो बेसिकली किसी को ना किसी को हो ही रही है और फिर वो मूड नहीं बनता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि साक्षर का एक बहुत दूर का एक रिलेटिव्स है और हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत टफ है, वो नॉर्मली उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है तो इजीली, तो आज आई थिंक हमें मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह उनसे मिलने जा रहे हैं। लेट्स सी, तो ठीक है चलो मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिल्कुल भी मुझे ट्रैफिक नजर नहीं आई, बहुत कम ट्रैफिक थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो भी पूजा के सीजन के टाइम, फेस्टिवल के टाइम, और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जो भी हो, बट अभी हम लोग ने खाना ऑर्डर किया है, मैं अपने लिए पूरी सब्जी ऑर्डर की हूँ और साक्षर अपने लिए चाय, इसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, फिर हम लोग कॉफी पियेंगे। सो बस ठीक है, वो खा के मैं तुरंत अभी निकलूंगी क्योंकि हमें किसी से मिलने जाना है, इसीलिए
एक्साइटेड हूँ, इतने एक्साइटेड हूँ यहाँ के कॉकपिट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं, ये जो जानने पहचानने वाले हैं, वो रोस्टी कॉफ़ी के बारे में इतना कुछ अच्छे अच्छे बोले। तो मैं अभी जस्ट के साथ मिलने गई थी, वहाँ पर मैंने कॉफ़ी पी चुकी हूँ, बट वहाँ पे मैंने दो कॉफ़ी ली थी, अभी मैं दूसरी कॉफ़ी होगी। सो आई एम सो वेरी एक्साइटेड कि यहाँ की कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट कैसी होती है। चलिए दोस्तों, आज हम आ गए रोस्टरी कॉफ़ी हाउस में। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई ड्रिंक्स एंजॉय कर रही है और मुझे फ़ोटो खींचने की और वीडियो खींचने की काम करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई लाइक ब्लॉगिंग, क्योंकि आपके लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास, हमेशा लोगों को दिखाने के लिए वीडियो खींचो, फोटो खींचो, ये सब करना पड़ता है। इससे मुझे राहत देने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जितना जल्दी सब्सक्राइब मिलेगा इनको, उतना कम मुझे वीडियो खींचना पड़ेगा। अभी कॉफ़ी कंप्लीट, अभी साक्षर के जो उसके घर का जो ओरिजिनल पूजा होता है, मतलब उस पूजा उस पंडाल में हम लोग जा रहे हैं। मतलब आज दशमी है तो आज विसर्जन तो हो जाएगा, बट हम चाहते कि उससे पहले जाकर एक बार देख कर आते वहाँ का भगवान को। चलो we'll be right back.
खानदान के, पुराने खानदान के जितने भी सारे भाई बहन चाचा चाची उसके बेटे बेटी दादा दादी जो भी थे उनके, ये लोग बहुत पुराने मतलब बहुत ही आदिवासी कहते हैं जो उस वक्त से ये लोग दुर्गा पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने नॉर्मली उतना कभी गई नहीं हूँ, देखी नहीं हूँ मैं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये राय चौधरी परिवार का ही पूजा है तो उसके जितने सारे बच्चे उसके बच्चे सब अभी फिलहाल वो पूजा मेंटेन करते हैं। तो वैसे तो सारे के सारे सब बाहर ही सेटल्ड है, पर जब भी दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग आते हैं तो वो सारे पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं बहुत ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे पता चला कि कैसे इन लोग के यहाँ पर पूजा होते हैं, लोगों की सोच थिंकिंग कैसी है, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग सुबह से ही बहुत ज़्यादा टायर्ड है, सुबह से हम लोग जो बाहर निकले थे फिर आफ्टरनून तक तो हम लोग पहुँच गए थे और कई कई छोटे छोटे पंडाल में हम लोग पूजा दुर्गा पूजा की मूर्ति का दर्शन हुआ। नॉर्मली मुझे तो लगा इस साल दर्शन ही नहीं होगा, बट हो गया, अच्छी बात है। तो वैसे आज मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया और शाम को आज मामा मामी भी आए थे विश करने, विजयदशमी का प्रणाम लेने आए थे क्योंकि मेरी नानी तो यहीं पे रहती है इसीलिए। तो चलो अच्छा है और आज का दिन यहीं पे ख़त्म। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।